आप सबका स्वागत है। आज हम 6 मार्च के ईश्वरीय वरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जो भी आपके पास में धन, तन की ताकत और मन की जो शक्ति रह गई है, वो तो या तो हम अपने ही लिए इस्तेमाल कर लें, या तो फिर हम परमात्मा के प्रति थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमारे पास रह गया है, कई जन्मों पहले के मुकाबले में आज बहुत थोड़ा सा जो रह गया है उसमें से हम कुछ परसेंटेज, 1% भी अगर हम परमात्मा के कार्य में लगा दें तो बहुत 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 हमारी उन्नति हो सकती है। तो इसी चीज को लेकर के आज परमात्मा कह रहे हैं कि अपने बचे हुए तन, तन में जितनी ताकत रह गई है, मन, मन में जो ताकत रह गई, क्योंकि हमने सारे मन की ताकत हमने धन दौलत और रिश्तेदार और साथियों और दुनियावी इच्छाओं को पूर्ण करने में हमने वो सारी मन की ताकत लगा दी, जो थोड़ा बहुत भी रह गया हमारे पास में, मन और धन जो रह गया है कलयुग का, वो ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भवा, किसके सहयोगी? परमात्मा के, उसकी एक निशानी है। आज परमात्मा कहते हैं उस निशानी के बारे में, यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, कि बाढ़ आती है, आंधी आती, तूफान आती है, कलयुग में भी तो आता है ना, सिर्फ वो दिखने वाली बाढ़ आंधी नहीं, धन की बाढ़ आंधी आती, संबंधों में जो चोट है वो भी बाढ़ एक आंधी की जैसे ही है, मन के अंदर अंधकार है, काले बादल छाए हुए इंसान के मन में, इस कलियुगी रूपी पहाड़ को उठाना परमात्मा के साथ, वहां तो श्री कृष्ण दिखाते हैं लेकिन हम भी श्री कृष्ण के वंशज हैं तो हम भी उनके साथ में लगे हुए हैं और हमें मदद करने वाले हैं परमात्मा पिता निराकार शिव, जो कि हम श्री कृष्ण के वंशज और स्वयं श्री कृष्ण के अंतिम जन्म ब्रह्मा के द्वारा इस कलयुग की पहाड़ को उठा रहे हैं, बल्कि इस दुखदायी दुनिया को हटा रहे हैं ताकि उसमें रहने वाले, इस दुनिया जगत में रहने वाली सारी आत्माएं सुखी बन जाए। तो परमात्मा कहते हैं, यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, वैसे हमारी भी उंगली, यह आपके सहयोग की निशानी है कि आपने भी अपना तन, मन और धन थोड़ा सा जो भी है इच्छा अनुसार आपने मदद करी परमात्मा के इस कार्य को करने में, क्योंकि बिगाड़ा हमने है, वो पर्वत भी हम ही लेके आए, क्योंकि हमने पिछले जन्म में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इस्तेमाल किया है, जिस कारण से वो गोवर्धन पर्वत भारी 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 हमारे पापों का वो बोझा है, वो गोवर्धन पर्वत वो हमने ही क्रिएट किया, तो हम ही उसको उठाएंगे, लेकिन हमारे साथ में कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा। कहते हैं, चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं कि हमने भी उठाया और औरों को भी बोला, आओ 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 हम भी उठाएं, सब लोग आओ, सब लोग स्वाहा करो, काम क्रोध लोभ अहंकार को खत्म करो और इस पर्वत को उठाना शुरू करो। जैसे हम अपना काम क्रोध लोभ अहंकार को स्वाहा करते जाएंगे, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली उस पर्वत को हम उठाना शुरू कर रहे हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया। 63 जन्म हमने जितनी भी भक्ति करी है, धन लगाया, मंदिर बनाए, सब कुछ सारी चीजें जो भी करी हमने, उसमें हमने क्या पाया? हम तो काम करोड़ लोगों का छोड़ा नहीं और हम गिरते हुए आए। बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पद्म गुणा जमा हो जाएगा। किसी कार्य में? परमात्मा कार्य में। जो कुछ भी बच गया, क्योंकि सब कुछ तो लुटा दे पिछले जन्मों में, कहां राजा रानी होते थे, कहां आज नौकरी करने वाले बन गए, तो लुट गया ना सब कुछ, कहां महलों में रहा करते थे कई जन्म पहले और आज देखो कहां आ गए, छोटे छोटे घरों में। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी आकर सीखिए।